हेलो नमस्कार सर, मैं फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। अरे चाचा, जिंदा फिराड़ हो रहा है। हेलो, अरे पहले तुम इनसे बात कर लो। अरे दिक्कत कहाँ आ रही है हमको बताओगे तुम? अरे तुम्हारी कंपनी से कपड़ा मंगाए हैं, उसमें फोटो में लौंडा पजामा पहना है, सही पहना है, काला चश्मा लगाया हुआ है। सर देखिए, जैसे कि मैं आपको ऑर्डर दे पा रहा हूँ सर, उसमें सिर्फ आपको पजामा ही था और आपको पजामा मिल चुका है। अरे हम कहीं सिरिया ना जाएं, चाचा देखना इसमें तीनों आइटम पहना है नहीं पहना। पहना तो है यार। अरे ऐसे तो जो लौंडा कपड़े पहने खड़ा वो लौंडा ना मांग लेना तुम हमसे। अरे लड़के का क्या करेंगे हम? अरे जो लड़की उस लड़के के कंधे पे हाथ रखी है वो मंगा लो इनसे। चाचा इस उम्र में अगर तुम मुतोगे ना तो तुम्हारे घुटनों पे पेशाब गिरेगी। लौंडिया भेज दो। अरे चाचा तुम चुपो। अरे तुम हमको तीनों आइटम दो यार, समझो बात को। देखिए सर आप मेरी बात समझिए सर, वो तीनों चीजें आपको नहीं मिल सकती, सिर्फ उसमें पजामा ही आपको मिलेगा। देखो चाचा फिर फिराड़ हो गया, आज तो दिन का चौथा फिराड़ है ये। सुबह हमारे पास फोन आया कि तुम्हारी 25 लाख की लॉटरी लग गई, 2000 रुपए पेटीएम पढ़ा के हमको माँ बहन की गाली दिया बाद में। लोग अपनी दुनिया में है। हेलो नमस्कार सर, मैं फेयरटेल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ सर, आपके मोबाइल पर रिचार्ज खत्म हो गया है सर। अरे कमाल बात हो गई, तुमको कौन बताया? अरे सर हम कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं, 15 दिन हो गए आपका रिचार्ज खत्म हुए, आपको कोई दिक्कत आ रही है सर? अरे दिक्कत बहुत है यार, पित्ते में पथरी है, डॉक्टर पित्ता निकालने को बोल रहे हैं। अरे ये थोड़ी बोल रहे हैं। अरे तुम सोचो हमारे गुर्दे में पथरी होती साला गुर्दा निकाल देते हैं। सर रिचार्ज कराने में कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? अरे रिचार्ज कराने में कोई दिक्कत नहीं है, रिचार्ज तुम बेटेंशन करा दो हमारे। अरे हम नहीं कराएंगे, वो तुमको खुद ही कराना पड़ेगा। अरे तो फिर तुमने हमको फोन क्यों कराया ये तो बताओ। सर हम बता रहे हैं आपको कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया। अरे बहुत बढ़िया आदमी हो यार, यहाँ हमारा चाचा 7 बीघा जमीन दाब गया हमको नहीं बताया, और एक तुम हो यार कि सबको बता रहे हो तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो गया जबकि उनको पहले से पता है। अरे सर ये हमारा काम है सर। बुरा ना मानना, बहुत जलालत भरा काम है बेटा, छोड़ दो। सर पेट के खातिर करते हैं हम ये। अरे इससे अच्छा तो भूखा मर जाओ तुम। आप देखिए हमने अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारी पत्नी की जबान में पथरी हो जाए तो जबान निकाल देंगे का? जबा जबा करते हुए बड़ी अच्छी लगेगी। हेलो गुड आफ्टरनून सर, मैं जोगैटो की तरफ से बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। अरे तंदूरी मुर्गा ऑर्डर करे हैं, अभी तक आया नहीं है। अरे मुर्गा तंदूर में थोड़ी बैठा के निकाल के तुम्हारे मुंह में घूस देंगे। अरे चीख चीख के बोलते हो कि 25 मिनट में खाना पहुंचा देंगे, तो फिर 25 मिनट में आ क्यों नहीं रहा? अरे तो हम 25 मिनट में नहीं पहुंचा पाएंगे, तो मुर्गे से बात कर लो, अगर वो तंदूर में कूद कर सुरक्षा हुआ तुम्हारे पास पहुंच जाएगी वाली टांग खा लो हमारी। अरे पगला आदमी दिमाग ठीक है तुम्हारा, कैसे बातें कर रहे हो तुम हमसे? अरे बिजली गिर गई हमारे दिमाग पर तुम्हारी बातें सुनकर, अगर थोड़ा देर हो जाएगी तो कम आ जाएगी तुमको। जब मुर्गा ठंडा हो जाएगा तो काम आ जाएगा। मुर्गा जान से चला गया, तुमको मजा नहीं आ रहा है? मुर्गी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए उसके। अरे इस बात में का लॉजिक है यार, दरिंदा आदमी, यहाँ मुर्गी अपनी चूड़ी नहीं तोड़ पाई है तो मुर्गा गटकने की सोच रहा है? अरे मुर्गी की तो टांग ही नहीं होती, गले में पहनी, तुमको कोई दिक्कत है? अरे गले में चूड़ी पहनी है तो फिर तोड़ कैसे रही है वो? अरे दीवार पे सर मार रही है बेचारी। अरे हम पागल ना हो जाए कहीं यार? तुम पागल नहीं होगे, जिस हिसाब से तुम्हें बद्दुआएं दे रही, कीड़े पड़ेंगे तुम में। अरे 20 मिनट में तुम्हारे एरिया में बत्ती पहुंच जाएगी, अब तुम हमको फोन ना करना दोबारा से, ठीक है? कमान। हेलो मैं बिजली विभाग से बात कर रहा हूँ। अरे ये तुम्हारा लाइन माइन हमारा कनेक्शन काट रहा है, हम इसकी गर्दन काट देंगे, ध्यान रखना। गुंडागिरी ना करना, समझ रहे हो? जब बिल जमा नहीं करोगे तो तुम्हारा कनेक्शन कटेगा कि नहीं कटेगा? और जो चोरी से कुंडा डाल के एसी में सो रहे हैं लपला पालप, उनका क्या? वो भी पकड़े जाएंगे एक दिन। अरे चोर आदमी कभी नहीं पकड़ा जाएगा, जैसे ही तुम हमारी डोरी काटोगे इतनी देर में सारे चोर खींच के डोरी अंदर कर लेंगे। दुनिया से लेना देना क्या यार, तुम अपना बिल जमा करो, बात खत्म हो गई। खंबा पे चढ़ गया ये पापा। अरे टांग पकड़ के लटक जाओ साले की और मुंह के बल खींच लो। नहीं हमारी बात सुनो पापा, गला पकड़ लिया इसने हमारा, सोनू चाहे जान निकल जाए मगर छोड़िए मत मारे। आप ये करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, समझ लो। अरे तू फांसी करवा, हम फांसी के लिए तैयार हैं यार। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करिए, आप अपना बिल जमा कर दीजिए, आपको क्या लेना देना। अरे सोनू के पापा, सोनू घबराइयो मत, मां आ गई कमीना नाश पीट। बेबी बेलन चला दे तलवार की तरह, काटती काटती। नहीं मारा जाएगा, पुलिस भेज दो वहां पे।